हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। मैं हूं तोशीन, आपकी मैथ्स टीचर, जो कि आज आपके लिए लेकर आई है एज प्रॉमिस्ड न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो। ठीक है, तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना न्यू थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर कौन सी 7.4, क्योंकि हम कर रहे थे 7 चैप्टर, राइट? ट्राइंगल्स हम लोग कर रहे थे, तो अब हम करने वाले हैं 7.4 थ्योरम। ऑल्दो हमने इसका एक क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, पर अब देखते हैं ये थ्योरम कहती क्या है। देखो 7.4 थ्योरम, it says SSS congruence rule, ठीक है? If three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. यही मैंने आपको क्या है पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था 7.2 में था, आई थिंक उस क्वेश्चन में ये रूल यूज हो रहा था, है ना? तो उस रूल के टाइम पे मैंने आपको ये चीज बताई थी, क्या कि अगर दो ट्राइंगल्स में आपके पास क्या आ जाए, दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स के पेयर भी इक्वल आ जाते हैं, तो भी मैं क्या है कॉन्ग्रुएंसी की बात कर सकती हूँ। और ये रूल भी वही कहता है, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन ऑल्सो दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, एग्जैक्टनेस। अब साइड्स सारी की सारी इक्वल है तो वो एग्जैक्ट ओवरलैप कर जाएंगी एक दूसरे को, दोनों ट्राइंगल्स, राइट? चाहे बड़ी है या छोटी है, कैसी भी है, अगर इक्वल है तो वो क्या है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, दे विल बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, हेंस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव्ड, राइट? चलिए एक और थ्योरम है इसके बाद, दैट इज थ्योरम नंबर 7.4, वो देखो, सॉरी थ्योरम नंबर 7.5, वो देखो क्या कहती है। It says RHS congruence rule. RHS congruence rule, ये तो थोड़ा अलग सा हो गया ना, अभी तक तो हम कर रहे थे साइड S का मतलब साइड A का मतलब एंगल, अब RHS का मतलब क्या हो गया? तो देखो RHS का मतलब हो गया राइट हाइपोटेन्यूस एंड साइड। RHS, R से मतलब क्या हो गया आपके पास राइट, और H से मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस, और S से मतलब हो गया साइड। यानी ये रूल कहाँ लगने वाला है आपके पास, राइट ट्रायंगल्स में, है ना? ये रूल आपके पास लगने वाला है राइट ट्रायंगल्स में, जहां पर आपके पास एक राइट एंगल होगा, ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड, एक हाइपोटेन्यूस होगा, यानी क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों कैसी हैं, राइट ट्रायंगल है, दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है क्योंकि राइट ट्रायंगल है। अब दोनों के पास हाइपोटेन्यूस भी होगा, तो दोनों ट्रायंगल्स के क्या इक्वल होने चाहिए, हाइपोटेन्यूस। अब बच गई दो साइड परपेंडिकुलर एंड बेस, उन दोनों में से कोई भी एक पेयर ऑफ द साइड मुझे क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, तो मैं ये रूल लगा सकती हूँ विच सेज RHS, यानी कि राइट हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, ये जो RHS रूल है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लग सकता है, क्योंकि पहला जो ये कहता है राइट, तो ये जो राइट वर्ड है इट रिप्रेजेंट्स राइट ट्रायंगल या राइट एंगल, ठीक है? समझ में आया, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अब करें क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड, है ना? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 7.3। देखो एक्सरसाइज 7.3 में क्या है हमारे लिए, इसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है? आपको फिगर भी दिख रही है साइड में, राइट? उस फिगर में देखिए क्या कि ए बी सी यानी बाहर वाली ट्राइंगल और डी बी सी यानी अंदर एक छोटी और ट्राइंगल बनी है डी बी सी, वो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद द सेम बेस बी सी, बी सी पे बनी हुई है। अब ये कहता है क्या, वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बी सी, यानी बी सी के या तो ऊपर ही होंगे या नीचे ही होंगे, बट जैसा कि मैं फिगर में देख पा रही हूँ ये दोनों क्या है सेम यानी अबव है, है ना? ए और डी दोनों साइड बी सी के ऊपर ही हैं। नाउ ये कहता है आगे, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, यानी वो जो ए डी है मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, वो पी को बी सी को पी पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? और अब हमें ये इतने सारे पार्ट्स शो कर रहे हैं। अब देखो पार्ट नंबर 1 क्या है, पार्ट नंबर 1 है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब वही बात हो गई कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, है ना? देखो देखो अब ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि जो बेस है उसको छोड़ दीजिए, हमने क्या किया ए बी और ए सी को इक्वल ले लिया, आइसोसेलेस है, राइट? तो हमने कहा कि ए बी और ए सी इक्वल है। नेक्स्ट डी बी सी ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल,
डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे हो गए, डीबी इज इक्वल्स टू डीसी। अब इसका कैसे आइडिया लगा कि मुझे यही साइड्स लेनी है, वो इसलिए लगा क्योंकि आगे एक लाइन लिखी हुई है ऑन द सेम बेस बीसी, राइट। अब सेम बेस बीसी है तो बीसी एक टाइम पर दो साइड्स के इक्वल नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैंने क्या किया बीसी को छोड़ के रेस्ट ऑफ द टू साइड्स मैंने ले लिया कि ये दोनों इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। देख लेते हैं कहां पर है ये ए बी डी। देखो फिगर में ध्यान से, ए बी डी यानी ये जो वर्टेक्स आपके पास जो डी पॉइंट बना हुआ है ना, ए बी ए डी को एक्सटेंड करा था जब हमने ए डी, तो ए बी डी ये कहीं बीच में ऐसा कुछ बन रहा है और ऐसे ही ए सी डी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या हम प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दो पेयर ऑफ द टू सेट ऑफ द पेयर क्या है मुझे इक्वल दे रखे हैं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी ए डी तो कॉमन है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये तो प्रूव हो गया। करते हैं, देखो क्या किया मैंने, इन ट्राइंगल ए बी डी इज एंड ट्राइंगल ए सी डी, राइट। ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और यहां पर अब कॉन्ग्रुएंसी रूल अगर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करूं तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन। अब साइड में रीजन भी लिख लो, है ना, ये दोनों तो मुझे क्या है गिवन और ये है मेरे पास एक सेट कॉमन, तो ये लिख लिया। सो ये क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा रूल लगा दिया मैंने, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल से ये मेरे पास क्या है प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। चलिए अब देखें नेक्स्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, जो टू प्रूव है वो नेक्स्ट पार्ट में भी एक शायद कॉन्ग्रुएंसी है, जी हाँ कॉन्ग्रुएंसी है, दैट इज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, है ना। देखो फिगर में ए बी पी कहाँ है, देखो ये पूरी ट्राइंगल है ना, हाफ हाफ जो पूरी ट्राइंगल थी ए बी सी टू पार्ट में जो डिवाइड हो गई थी उसकी बात हो रही है, ए बी पी और ए सी पी। यहां पर मुझे एक चीज गिवन है क्या, कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। ऑल्सो आपको ये भी पता है क्या, एंगल बी बराबर है सी के, एंगल बी बराबर है सी के, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी अगर ए सी के बराबर है तो बी और सी भी इक्वल हो गए, एंड एंगल बी ए पी इज विल बी इक्वल टू एंगल सी ए पी। क्यों, बिकॉज वी हैव जस्ट प्रूव्ड कि जो ऊपर वाली ट्राइंगल सी ए बी पी और ए सी पी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और क्या इन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट नहीं है वो एंगल, कौन सा देखो कौन सा एंगल बोल रही हूं मैं, बी ए पी, बी ए पी, राइट, और ये क्या बन गया सी ए पी। तो यहां पर जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी यूज किया था वो आप यहां से उठा करके यूज कर सकते हो कि आपके पास ये जो एंगल है ये आप क्लियरली कह सकते हो कि बी ए डी एंगल किसके बराबर होगा, सी ए डी के, और ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहां से, ठीक है। देखो अब इन ट्राइंगल जो हमने प्रूफ किया कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले किया, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, अगर हमें कॉन्सेप्ट दिख जाए ना बेटा तो बहुत ही ईजी हो जाता है ज्योमेट्री के क्वेश्चन, है ना, कि हमें पता है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो अगर कोई तीन एलिमेंट फटाफट से मुझे दिख जाए कि ये इक्वल आ रहे हैं तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे कि ए बी पी और ए सी पी में मुझे पता है ए बी और ए सी तो इक्वल है ही क्योंकि ये मुझे गिवन है, ठीक है, तो बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी बराबर हो गया, राइट, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, और ये दोनों अलग अलग के ही हैं, बी और सी अलग एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, अलग ही ट्राइंगल्स के क्या है ये पार्ट्स है। ऑल्सो ऑल्सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पूरे एंगल का नाम ही लिखना है। फिगर में देखिए ध्यान से, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। अब यहां पर रीजन ऐसे स्टेट कर सकते हो आप, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था बिकॉज ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, तो यहां पर तीन एलिमेंट्स आ गए, पर कौन कौन से तीन एलिमेंट, दो एंगल है और एक साइड है, क्या इन साइड्स का एंगल से कोई रिलेशन है, दोनों ही क्या है इंक्लूडेड एंगल है ना, वर्टेक्स पे बन रहे हैं, एक तो एंगल बी बन रहा है और एक एंगल बी ए बन रहा है ना, वर्टेक्स एंगल है, तो दैट मीन्स क्या क्राइटेरिया यूज होने वाला है, एंगल साइड एंगल, यस, हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, कौन सा रूल लगा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमने इसकी हेल्प से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
अब देखो थर्ड पार्ट क्या आता है, टू प्रूव थर्ड पार्ट, ये हेंस प्रूव वाला पार्ट बेटा खुद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, एपी बाइसेक्स एंगल ए, एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एज वेल एज एंगल डी, एपी बाइसेक्ट कर रहा है। जस्ट नाउ आई हैव रिटन हियर, मैंने अभी भी लिखा कि बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा था ए एंगल, वो इक्वल हो गया, कैसे, एपी ने उसको बाइसेक्ट कर दिया। तो यहां से सीधा उठा लो, क्या प्रूफ में जब आप करने लगेंगे क्या लिख सकते हो आप, एज एज कौन सा कोई भी ट्राइंगल उठा लो आप, यहां से फर्स्ट पार्ट से मैंने लिख दिया क्या, एज ए बी डी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो क्या कह सकते हैं, विच एंगल वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट दैट बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए डी एंड दिस इंप्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल ए, ठीक है, क्लियर हो गया, ये एपी ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी, ये कैसे प्रूव किया जा सकता है, अगर हम क्या करें डी बी पी को, डी बी जो अंदर आपके पास ट्राइंगल बन रही है, डी बी पी और ऐसे ही डी सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए, तो क्या ये रूल प्रूव हो जाएगा कि ये एपी जो है वो डी को भी बाइसेक्ट कर रही है ना। तो चलिए नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी डी पी एंड एंड सी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ठीक है, हमें ये पता है कि बी डी सी क्या है, डी बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें ये पता है कि डी बी जो है, या मैं कहूँ बी डी, वो किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है, बी डी बराबर है सी डी के। एंड ऑल्सो क्या जानते हैं आप कि डी पी जो है वो कैसी है, कॉमन है, डी पी जो है कॉमन है, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट की देखते हैं, थर्ड एलिमेंट क्या आ रहा है हमारे पास, थर्ड एलिमेंट देखिए क्या आ सकता है, यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया था कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है इसके, और एंगल बी और एंगल सी बेटा देखो अगेन मेरे पास क्या है, डी बी और सी डी इक्वल है ना, डी बी और डी सी इक्वल है, दैट मीन हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी बी डी बी पी इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल हो गया, डी सी पी, डी सी पी, क्यों हम रीजन लिख सकते हैं यहां पर क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, समझ में आया, क्योंकि आप जानते हैं कि डी बी और सी डी बराबर है, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल, राइट, वो मैंने उठा लिया। अब हम देखते हैं कि इस एंगल का इन दोनों साइड से क्या इंक्लूडेशन का रिलेशन बनता है, इंक्लूडेड एंगल बनता है, तो डी बी, यस, जो दो साइड्स मैंने कंसिडर करी है डी बी एंड डी पी, उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल है ये, नो इट इज नॉट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या बन गया आपके पास, कौन सा आप इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो, इसमें आएगा तो बेटा पर ये ऐसे ही यूज होने वाला, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, लाइक क्या कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कब, क्राइटेरिया देखो कैसे लगाने वाले हैं हम, बी डी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी पी से, बी डी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी पी, कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें, कॉरेस्पॉन्डेंस बी डी और सी डी बराबर है, डी पी डी पी कॉमन है, उसके बाद एंगल बी है एंगल सी के, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी तो आ रहा है, बट विच रूल वी विल बी यूजिंग, यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस, है ना, साइड एंगल साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऑल्दो यहाँ क्या है इंक्लूडेड एंगल नहीं बन रहा है, बट समहाउ इट विल बी, ठीक है, आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हमें प्रूफ करना क्या था, हमें तो ये प्रूफ करना था कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को, सो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज क्या कि एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंड दिस इंप्लाइज क्या कि जो एपी है वो बाइसेक्ट करती है किसको, बाइसेक्ट करती है एंगल को भी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, खत्म, है ना, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC,
अब हमें ये प्रूव करना है एपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो दैट मींस क्या, मुझे बीपी और बीसी पीसी को इक्वल प्रूव करना है, बीपी एंड पीसी को इक्वल प्रूव करना है, एंड एंगल पी क्या है 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट। अब देखो इट इज वेरी इजी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या है पार्ट टू में प्रूव किया था कि ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी। यहां से अगर मैं देखूं तो बीपी एंड सीपी क्या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं बन रहे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो बीपी और बीसी तो इक्वल हो गए। ऑल्सो इन्हीं ट्रायंगल्स की हेल्प से, इसी कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से मैं कह सकती हूँ क्या, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी पार्ट्स मतलब कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ये, अगर इक्वल है उसके बाद हम कहेंगे क्या कि ये दोनों मिलकर के तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा हो गया। देखो लिखेंगे कैसे इसको, फोर्थ पार्ट में हम लिखेंगे क्या, टू प्रूफ में आप ये लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, मैं प्रूफ कर रही हूँ सीधा। प्रूफ में हम लिखेंगे एज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल के किया था हमने, ए सी पी के, है ना। तो दिस इंप्लाइज बी पी इज इक्वल टू सी पी। अगेन क्या आएगा यहाँ पर, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ये दोनों ही आपके पास कैसे आ जाएंगे, बाय सीपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब यहां पर ये तो प्रूव हो गया कि पीस का मिड पॉइंट है यानी बाइसेक्शन प्रूव्ड। नाउ बट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये, है ना, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, रीजन भी हमने लिख दिया। So this implies twice of angle APP is equals to 180 degree, and this implies APB is equals to 90 degree. समझ में आया, हमने एंगल भी 90 degree प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि P क्या था, मिड पॉइंट था। So this implies AP is perpendicular bisector of BC. Proved and the question is complete. ठीक है, question हो गया। अब question देखो, as in question थोड़ा बड़ा था लेकिन था तो easy, है ना, क्योंकि इसके कितने पार्ट थे, चार पार्ट थे, तो question बड़ा था लेकिन थोड़ा सा easy ही था। इसको आपने ऐसे नहीं लेना कि हाँ डर गए या समझ में नहीं आया, बहुत ही easy था, समझ समझ के करना है। चलो अब next question देखते हैं, that is question number 2। अब देखो बेटा क्या है हमारे पास, second question है। second question कहता है कि AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. यानी एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर AD क्या है, altitude है, किस पे, साइड BC पे, है ना। अब बच क्या गई, साइड दूसरी बच गई ना, A से वर्टेक्स को अगर altitude ड्रॉ करेंगे तो ऑपोजिट साइड पर ही बनेगा altitude, ठीक है। तो AD क्या है, altitude है isosceles triangle का, और उसमें क्या है, मुझे AB और AC equal दे दिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसमें लिखा है show that फर्स्ट पार्ट में है AD bisects BC, AD ने क्या कर दिया, BC को bisect कर दिया, मतलब half of कर दिया, या मैं कहूँ D इसका midpoint है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या वेपन है, वेपन मतलब कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, वही कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हैं कि क्या आ जाए, ये एग्जैक्ट इक्वालिटी की अगर बात करनी है तो कॉन्ग्रुएंसी पे बात करेंगे। हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, क्यों, क्योंकि AD bisect BC, तो इसका मतलब मुझे प्रूव करना है BD is equals to DC। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, मुझे प्रूव करना है BD is equals to DC। अब जिस ट्रायंगल का ये हिस्सा बन रहे हैं उस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, ने कंसीडर कर लिया ABD एंड ACD, ठीक है। मैंने ट्रायंगल लिखा ABD एंड ट्रायंगल AC, कौन सा, ACD, ठीक है। अब जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है AB is equals to AC, ठीक है, एक एलिमेंट आ गया। दूसरा हम निकाल सकते हैं कि B is equals to C because angles opposite to equal sides, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद मेरे पास ये बच गया कि AD perpendicular है BC पर, that means ये एंगल क्या है मेरे पास 90 डिग्री है। अब थोड़ा सा हम क्या यहाँ पर भी आ सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिल गया, मुझे AD जो साइड है वो कॉमन मिल गई, although 90 डिग्री और ये इक्वल और ये साइड भी इक्वल, क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, बन रहा है, कैसे, RHS रूल अभी हमने पढ़ा था। RHS रूल क्या कहता था, देखो यहाँ पर
आरएचएस रूल कहता था कि दो ट्राइंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं आरएचएस रूल से, कब, जब उसमें एक राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हो, और एक कोई भी साइड या तो परपेंडिकुलर या बेस इक्वल। सिंपल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपने क्या लिखा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन लिखेंगे क्या, ये मुझे गिवन है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्या, एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों क्या है, ईच 90, राइट। एंड ए डी ए डी कॉमन, ए डी ए डी कॉमन, तो कौन सा रूल लग गया, आरएचएस लग गया। क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, रीजन क्या लिखेंगे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट, लेकिन प्रूव क्या करना था, बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब यहां देखो बी डी और डी सी इक्वल आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल्स, तो बाकी के तीन एलिमेंट्स ट्राइंगल के वो भी तो इक्वल है, विच कम्स अंडर सिंप्लिसिटी। दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू सी डी, रीजन क्या लिखेंगे, बाय सिंप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर, समझ में आया। चलो देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का ही पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, दैट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू। अभी हमने क्या किया, सिर्फ पार्ट वन किया था, ठीक है। अब हम करने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट टू में देखो क्या है, पार्ट टू कहता है एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एडी ने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। तो क्या ये भी इसी से नहीं प्रूव हो सकता, हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी कि ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ठीक है। उसके बाद हमने ये कह दिया कि बी डी और डी सी बराबर है, तो बेटा एंगल बी ए डी और सी ए डी भी तो बराबर होंगे, वो भी कैसे हो जाएंगे, बाय सिंपलिसिटी यहीं पर लिख सकते हैं हम। ऑल्सो क्या आ गया यहाँ पर, एंगल एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी ऑल्सो बाय सिंपलिसिटी। तो हेंस प्रूव, ये हेंस प्रूव वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया है हेंस प्रूव। अब इसी से ना थोड़ा मुझे याद आ रहा है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर वन में हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बन रहा था पार्ट थर्ड में, तो वहां पर जो हमने बीपी इज इक्वल टू सीपी प्रूव किया था, वो हम पहले भी कर सकते हैं। अगर बीपी इज इक्वल टू सीपी कर लेंगे ना पहले, तो हमारा एक कॉरेस्पॉन्डेंस रूल बन जाएगा। ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है, खुद से आप ट्राई करिएगा वो पार्ट, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वो वाला पार्ट क्या है, खुद से ट्राई करना, वहां पर आप क्या है बीपी और सीपीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, जो हमने पहले ही कर चुके थे पार्ट वन में, वहां से उठा करके करना है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर equal to the side PQ and QR and median PN of triangle PQR. That means मेरे पास क्या है, दो triangles हैं ABC and PQR, ठीक है, और इन दोनों triangles के मेरे को दो sides के pair और एक median का pair मुझे equal दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा क्या है, show that ABM is congruent to triangle PQN. अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया, कैसे, क्योंकि ए बी एम और पी क्यू एन में मुझे तीनों साइड इक्वल ही तो दी हुई है, है ना। तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पी क्यू आर के। अब इसमें मुझे पार्ट वन की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो हम गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले। देखो इधर देखो यहाँ पर क्या है, जो आपको गिवन था वो मैंने लिख लिया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन और AM is equals to PN, जो हमें given था वो हमने mention कर दिया। और two proof में क्या था, मुझे दो triangles की congruency proof करनी थी, वो भी मैंने mention कर दी। But now how we will start, हम कहेंगे in triangle ABM and triangle PQN हम क्या लिखेंगे, जो हमें elements given है, that is AB is equals to PQ and क्या है AM is equals to, AM is equals to PN, AM is equals to PN and BM is equals to QN and all these three elements are given to me, है ना? So this implies triangle ABM, triangle ABM is congruent to triangle PQN. कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, यहाँ लग गया है by SSS, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, समझ में आया।
अब करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का जो टू प्रूव है बेटा वो क्या कहता है कि ट्रायंगल एबीसी को हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पीक्यूआर। अब यहां पर इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा इसका। अब देखो एबीएम कॉन्ग्रुएंट है किसके, पीक्यूएन के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज ट्रायंगल एबीएम, ट्रायंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूएन। हम कह सकते हैं क्या कि दिस इंप्लाइज सो, यहाँ पर सो वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा बेटा, आप सो लिखो, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहां पर एंगल बी और एंगल क्यू तो आ गया एंड मुझे जो साइड्स गिवन है दैट इज ए बी एंड पी क्यू एंड दूसरी साइड कौन सी है, बी एम एंड क्यू एन, है ना। तो बी बी और क्यू तो आपके पास इक्वल आ गया, आप कह सकते हो बाय सीपीसीटी। ऑल्सो मीडियन क्या करता है बेटा, मीडियन करता है ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। आपको ये पता है क्या, देखो मीडियन जहां पर ड्रॉ किया है दैट इज बी एम इज इक्वल टू क्यू एन एंड एंड बी एम is equals to QN, right? अगर दो sides आपको equal दी हुई है, तो इनको हम किसी से भी multiply, divide, addition, subtraction करके भी वो क्या रहेगा, same ही रहेगा। तो आप क्या करो, दोनों side two से multiply कर दो। This implies twice of BM is equals to twice of QN. लेकिन twice of BM को क्या लिखा जा सकता है, the whole BC and twice of QN को the QR। हो गया question? तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ मैं, दिस इंप्लाइज कि क्या बीएम क्या हो गया आपके पास, बीसी इज इक्वल्स टू क्यूआर। ठीक है, अब देखो आपके पास एंगल बी भी आ गया, क्यू भी आ गया, बीसी क्यूआर हो गया और ए बी और पी क्यू आपको दे ही रखा है। तो ए बी है, पी क्यू है, बीसी है, क्यूआर है, एंगल बी है, एंगल क्यू है, तो दैट मीन्स क्या लग गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी डन। तो दिस इंप्लाइज, this implies, yeah, this implies रहने दो, यहाँ लिखो now in triangle ABC and triangle PQR क्या आएगा, AB is equals to PQ that is given, है ना, और angle B is equals to angle Q and BC is equals to QR। इसके लिए भी आपने बेटा reason लिखना है, अभी तक मैंने कोई भी equation का naming नहीं किया है, तो I can name it as equation 1 and this equation can be named as equation 2, ठीक है? So आप लिखेंगे यहाँ पर from 1 और यहाँ लिखेंगे from 2, right? ठीक है? So हम कहेंगे this implies triangle ABC is congruent to triangle QR and which method, which rule we have used, that is side angle AD, ठीक है? समझ में आया? और ये proof करना था, तो hence proof। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में आता है कि BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS congruence रूल प्रूव दैट ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या किया, एक फिगर बना भी दी, क्योंकि आपको फिगर गिवन नहीं थी, मैंने एक फिगर बना दिया जिसमें क्या किया मैंने ABC एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, उसमें क्या किया मैंने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए, दैट इज बीए परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ परपेंडिकुलर टू एबी एंड ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, लिखा है ना टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, तो इसका मतलब बीई और सीएफ कैसे हैं, इक्वल है। अब इनका यूज करके मुझे ये बताना है कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या मैं कहूं कि एबी इज इक्वल टू एसी, है ना, एबी और एसी को मुझे इक्वल प्रूव करना है, तो बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है आरएचएस रूल यूज करना है, RHS रूल यूज करना है, उसकी हेल्प से देखो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं ए बी ई और बी ई सी, बी ई सी बन रही है। अब देखो मैंने अगर बी ई सी ट्राइंगल लिया और सेम बेसिस पर मैंने क्या लिया सी एफ बी ट्राइंगल लिया, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं और वो क्या है, एक तो 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है, एंड दे हैव अ कॉमन साइड, यानी उनका जो हाइपोटेन्यूस है वो तो है ही कॉमन, तो इक्वल होना है, एंड एक साइड जो कि परपेंडिकुलर जैसी दिख रही है या मैं कहूँ कि वो बेस है, कुछ मर्जी मान लो आप, कि BE और CF मुझे क्या है, इक्वल दे रहे हैं, तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, बस ये रहता है कि AB को ABC को आइसोसेलेस कैसे प्रूव किया जाए, वो देखते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं, है ना। अब कहेंगे कि मैम इसको क्यों करना अगर कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो वो देखो अभी निकलेगा रिजल्ट। हम कहते हैं क्या, इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल बीई सी, इन ट्राइंगल बीई सी एंड ट्राइंगल सी एफ, सी एफ बी, ठीक है, हमने कहा इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करो, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बीई इज इक्वल टू सी एफ, सबसे पहला पार्ट की बीई और सी एफ इक्वल है, फिर हम कहेंगे क्या एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ ईच 90, और ऊपर वाले का रीजन क्या होगा गिवन है, राइट right? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा BC is equals to BC that is common, right? तो ये क्या हो गया बेटा, which method I have used या which rule में हमने help लिया, हमने help लिया RHS का, so this implies triangle BEC is congruent to triangle CFP, correspondence भी check करें, देखो angle E और F बराबर है, BE और CF बराबर है, बस ठीक है, now by CPCT हमने सॉरी बाय RHS आएगा यहाँ पर, CPCT की तो इतनी आदत हो गई है ना मैम को है ना, तो बाय RHS congruency rule हम क्या कह सकते हैं ये दोनों triangles कैसी हैं congruent हैं, अब congruent है तो corresponding parts भी तो equal होंगे, right? अब देखो क्या मैं ये कह सकती हूँ BEC में जो angle C है वो बराबर होगा CFB के angle B के, देखो यहाँ पर angle C और angle B आ रहे हैं correspondence के पार्ट, That's why we can say कि this implies angle B is equals to angle C. यहाँ हम लिखेंगे क्या CCT, ठीक है? अब देखो ध्यान से B और C अगर equal है तो क्या हम AB को AC के बराबर नहीं कह सकते? कह सकते हैं क्या कि AB बराबर हो जाएगा AC के, AB बराबर हो गया AC के, और reason क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर reason रहेगा क्या sides opposite to sides opposite to equal angles are equal, okay? समझ में आया? अभी तक हम use कर रहे थे कि angles opposite to equal sides are equal, लेकिन इसका converse भी तो exist करता है, that is sides opposite to equal angles are equal, and this implies ABC is an isosceles triangle. Done? खत्म? देखिए next question. देखो next question है question number 5. That is the last question of your exercise. देखो, fifth question क्या कहता है? Fifth question कहता है, ABC is an isosceles triangle. अब आपको given है कि एक isosceles triangle है ABC जिसमें AB और AC बराबर हैं. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. अब देखो, जैसा इसने बोला, accordingly मैंने क्या है? एक figure draw कर दी. ABC क्या कर दी? एक isosceles triangle जिसमें AB था AC के बराबर, और ये भी कहा था draw AP perpendicular to BC, है ना? मैंने AP perpendicular to BC भी draw कर दिया. अब हमें proof करना है कि angle B बराबर होगा angle C के. तो यहाँ पर भी हम help लेने वाले हैं किसकी? RHS rule की. कैसे? देखो, AP यहाँ पर क्या बना रहा है? 90 degree का angle बना रहा है, और यहाँ पर जो hypotenuse है और यहाँ का जो hypotenuse है वो दोनों मुझे ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं. AP मेरे पास क्या है? कॉमन साइड. तो क्या हो गया? congruency proof. चलिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, है ना? हमारे पास क्या आ जाता है? हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ कर रही हूं मैं, AB इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल APB, APB is equals to angle APC, APC each 90 degree, ठीक है? और फिर हम क्या कह सकते हैं कि AP is equals to AP, that is common. हमने कहा common है, तो this implies triangle ABP, ABP is congruent to triangle ACP, ठीक है? कौन से rule से? By right hypotenuse साइड रूल से, आरएचएस रूल से हम इनका कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं. अब कॉन्ग्रुएंट थोड़ी बताना था, हमें तो बताना था बी और सी को इक्वल. तो देखो बेटा, यहां पर बी और सी जो एंगल है वो कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स बन गए, है ना? तो यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सीपीसीटी, कि सीपीसीटी की हेल्प से हम कह सकते हैं ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. और यही प्रूव करना था, इज प्रूव, एंड द क्वेश्चन एंड्स एंड एक्सरसाइज आल्सो एंड्स. तो अब हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, बट तब तक बने रहिए स्कूल जी के साथ. थैंक यू सो मच.